हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 2 सालों के बाद, आप लोगों के साथ तला अंजुन के सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। तो जो नए सॉन्ग उनके आए थे 3 महीने पहले शायद, डोनर्स एट डस्क, तला अंजुन प्रोड्यूस्ड बाय उमेर, तो उनके सॉन्ग के ऊपर मैं आज रिएक्ट करने वाली हूँ। तो बहुत दिन हो गए उनके सॉन्ग आए भी नहीं थे, और बहुत दिनों के बाद उन्हें लगभग 2-3 महीने के बाद उनका न्यू सॉन्ग आते हैं। तो मैं आज उनके सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो पर मेरी रिएक्शन देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के डिमांड सबसे पहले मैं रखती हूँ और उस सॉन्ग के ऊपर मैं सबसे पहले रिएक्शन देती हूँ। और गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लेना, और उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं, बाकी के बाद हम बाद में करेंगे। तो लेट्स गो। गम पे हिसाब थे, अलग ही वफा के जाब्ते, अलग ही हैं अगर मंजिलें तो क्यों ना अलग ही रखें हम रास्ते, क्यों ना आज से मिटा दें ये किस्मत हम हाथ से, और जहन आजाद हो याद से, हम मिट जाएं जा मिले खाक से, तेरे शहर भी आए पर सफर से खत्म ना हुए ये फासले, जख्म भरे ना बड़े बेरहम से पेश आए हैं हाथ से, बात से बात निकाली के तेरे दिल पे लग जाए मेरी बात कोई, तू टूटते तारों पे मांगे मुझे तुझे मयसर हो ऐसी रात कोई, I've been working a lot, लिखना नहीं छोड़ता लिखना ही तोड़ है, बिकते हैं ये गाने लाखों में, क्या ये सब पैसे का शोर है, कल साथ ना होंगे पर याद तो होगी, और बोलो ना जिंदगी क्या है, यादों की माला है, यादों के अलावा कभी कुछ बाकी रहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, तेरे दर में आ बस तू ही खड़ा है, झुकाव जरूरी है उससे जाहिर होता है कि तू ही बड़ा है, जिसे गए हुए खुद से जमाना हुआ वो तुम में भटकता है, मैं खुद नहीं हूँ ये कोई और है मुझ में जो तुमको तरसता है, वजूद एक तमाशा था हम जो देखते थे वो भी एक तमाशा है मेरे दिल की गुजारिश के मुझे मत छोड़ो ये जाका तकाजा है, हम जिंदगी ढूंढते ढूंढते मौत के मुंह में ही जाते रहे, पर हम ठहरे कलाकार खोज में भी गुनगुनाते रहे, आओ ना कि तुम ही तो हो जीने की वजह, के बैठे बैठे कर ही दी सुबह, ना तू आया ना ही तेरा है पता, साहिबा मैं लेने आया हूँ तेरी खबर, तू देख ले जो अब मेरी तरफ, तो हो खत्म मेरी भी ये सजा, तुम मेरी यादों में साथ हो, तुम जाके भी मेरे पास हो, तुम्हारे ही दम से जिंदा मर गया जो तुमसे फुर्सत हो, तुम मेरी किताबों की तरह हो, तुम सामने हो लेकिन बंद हो, ये दिल क्यों इरादों के जैसा नहीं कि टूटे नहीं अभी तक वो, मैंने जो चाहा वो पाया है, हुनर से घर भी चलाया है, उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वो है जिसने बन के दिखाया है, म्यूजिक हराम वो बोले फिर मेरे ऊपर किस खुदा का साया है, घड़ी नाराज वो घड़ी नाराज के म्यूजिक पे क्यों इतना टाइम लगाया है, ख्वाब तो ख्वाब हैं उनका पूरा होना कोई जरूरी तो नहीं है, ख्वाहिश तो ख्वाहिश है आखिर जिंदगी भी कोई मजबूरी तो नहीं है, मुझे गम दे सोख दे ले जा ये दिल बेशक इसे तोड़ दे, वो मोहब्बत ही क्या जो तुम छोड़ आए, वो मोहब्बत तो नहीं अगर छोड़ गए, तुम ही गुरूर थी तुम में ही नूर था, तुम भी बेजार थी मैं भी मजबूर था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था, ये तेरी खामोशी तो क्या वो शोर था, जिसे तू मिली वो कोई और था, पर अपना मिलना भी अब मौत सा, मैं तो गानों में जिंदगी गाता हूँ, क्या पता तुम्हें पसंद हो कौन सा, आओ ना कि तुम ही तो हो जीने की वजह, के बैठे बैठे कर ही दी सुबह, ना तू आया ना ही तेरा है पता, साहिबा मैं लेने आया हूँ तेरी खबर,
देख ले जो अब मेरी तरफ, तो हो खत्म मेरी भी ये सजा। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत टाइम हो गया है कि उन लोगों के कोई भी सॉन्ग के ऊपर तला अंजुम हो, तला यूनुस हो या फिर यंग स्टनर्स के कोई भी सॉन्ग पे रिएक्ट नहीं कर रिएक्शन वीडियो नहीं लाए थे, तो ये सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनकी हर एक सॉन्ग के बीच बीच में एक मैसेज भी देते हैं, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जैसे कि बताया मुझे ख्वाब देखना गलत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ख्वाब देखो तो उसे पूरा ही करना है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप ख्वाब नहीं देखोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, है ना। तो बहुत सारे मैसेज उन लोगों के सॉन्ग के ऊपर सॉन्ग में होते हैं, तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है उन लोगों के सॉन्ग में, इसीलिए मैं उनकी सॉन्ग सुनती हूँ। तो गाइज बाकी सब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो जो कवर वाला सीन है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाकी तो आप सब लोगों ने देख ही लिया और समझ भी लिया। तो अगर बंदे की डेथ हो गई थी तो आई थिंक वो नहीं रोने वाला था, और पता नहीं जंगल में क्यों उसको वो कर दिया। तो मुझे ये कवर वाला सीन बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो पे मेरी रिएक्शन देखना चाहते हो। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी नए और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।